सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा, उनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मरने के पहले सारी प्रॉपर्टी सरकार को दान कर दी। लोगों ने कहा, क्यों जी, आपकी तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप सरकार को दान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा तो एक बेटा है, अपने बेटे को क्यों नहीं देते। तब उस आदमी ने कहा कि मैंने जिस टैलेंट से, मैंने जिस योग्यता से यह संपत्ति बनाई है, वह टैलेंट मैंने बच्चे को दे दिया है। यदि मेरे बच्चे के अंदर योग्यता होगी तो मेरे से ज्यादा संपत्ति बना लेगा, और योग्यता नहीं होगी तो दूंगा, वो भी मिटा देगा। हमारे यहां एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो उसके भी कमा के रखने की जरूरत, नालायक है तो सब मिट्टी में मिला देगा, 10 करोड़ दे दो मिला देगा। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, और बेटा लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत, लायक होगा तो कमा के। आजकल के माँ बाप ही अंधे हो गए हैं, दिन भर काम करते हैं, किसके लिए कर रहे हो? महाराज बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे बड़े बड़े हो गए, किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों, क्यों? तुम्हारा बच्चा नालायक है क्या, कमा के खा भी नहीं सकता? अरे पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, पांव में खड़ा कर दिया, रास्ता बता दिया, सद्बुद्धि दे दी, और क्या करोगे? खोपड़ी में बिठा के घूमोगे बच्चों को? कितना दोगे? मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चों को, महाराज जी ये बैंक बैलेंस बेटा को, ये प्रॉपर्टी बेटे को, ये वाला प्लॉट बेटे को, ये वाला धन बेटे को, इतना देने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ आपने बेटों को दिया है, ये बताओ संस्कार कितने दिए? संस्कार के नाम पर जीरो, और प्रॉपर्टी करोड़ों की दे दी। करोड़ों की प्रॉपर्टी दे भी दी है आपने और संस्कार नहीं दिया, तो उस प्रॉपर्टी का करेगा क्या? उस घर में नाचने वाली को बुलाएगा, शुरा सुंदरी का पान करेगा, शराब पिएगा, औरतों को नचाएगा उस घर में जो तुम छोड़ के गए हो प्रॉपर्टी? यदि संस्कार नहीं है तो तुम्हारे घर में कल वैश्या ही तो नाचेगी। यदि संस्कार दे के जाते तो तुम्हारे घर में कथा कीर्तन भागवत होती, तुम्हारे घर में अच्छे लोगों का आवागमन लगा रहता, लेकिन तुमने संस्कार नहीं दिए। याद रखना, 100 रुपए से शराब भी खरीदी जा सकती है और 100 रुपए से दूध भी खरीदा जा सकता है। शराब खरीदना है कि दूध खरीदना है, मर्जी आपकी है। ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप दूध खरीदना पसंद करेंगे कि शराब खरीदना। बच्चों को ऐसा बना के जाना, ऐसे संस्कार, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल बच्चा पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। यदि आपका बेटा नालायक है तो प्रश्न खड़ा होता है, क्यों है तुम्हारा बेटा शराबी? क्यों है जुआड़ी? क्यों है सिगरेट? क्यों पीता है? तंबाकू क्यों खाता है? तुम्हारा बेटा सत्संग क्यों नहीं करता? मन लगा के काम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं संस्कार दिए? संपत्ति का सदुपयोग क्यों नहीं करता? दुरुपयोग क्यों करता है? ये सवाल माँ बाप से भी तो पूछा जाएगा, क्या जवाब दोगे? इसलिए माँ, बच्चों को धन बाद में देना, पहले संस्कार दे देना। संस्कार दोगे तो उनका लोक परलोक दोनों संवरेगा, और यदि केवल पैसा दे के चले जाओगे, परिणाम सबके सामने है।